तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल समर स्लैम में लूज कर सकते हैं। हाँ, WWE प्लानिंग कर रही है MITV ब्रीफकेस को सक्सेसफुली कैश इन करने की। एंड यहाँ पर से जो रिपोर्ट भी आ रही है वो ये आ रही है कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल लूज करेंगे जजमेंट डे के लिए, क्योंकि भाई जजमेंट डे में इस वक्त सारी की सारी चीज़ें मेस्ड अप चल रही है। एंड अगर आपको नहीं पता तो WWE में ब्लड लाइन के बाद जजमेंट डे एकदम टॉप लेवल की फैक्शन पर चल रही है। एंड भाई WWE बिल्कुल क्लियरली दिखा रही है कि फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट एक सेम पेज पर नहीं है। एंड यहाँ पर से मैच के बीच में ये दोनों कुछ ना कुछ चुलबाजी जरूर करेंगे। एंड जजमेंट डे के मैचअप की वजह से जो व्यूअरशिप निकल कर आएगी उस वजह से भाई सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल लूज करना पड़ेगा। एंड मे बी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि सेथ रॉलिंस फिन बैलर से अपना टाइटल हार जाएंगे एंड तभी फिन बैलर पर डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लेंगे। एंड भाई यहाँ पर से स्टार्ट होगा जजमेंट डे का एंड बहुत सारी चीज़ें मैचअप हो जाएगी। एंड सेथ रॉलिंस को भी भाई थोड़ा सा इससे लूज इफेक्ट तो होगा, लेकिन जो जजमेंट डे की स्टोरी लाइन भाई एक अलग ही लेवल पर जाएगी, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। एंड लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल जजमेंट डे के लिए हारना पड़ सकता है, क्योंकि जजमेंट डे में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप चीज़ें चल रही है। बाकी आप लोग के क्या थॉट है इससे रिलेटेड, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।